राशिद लतीफ कौन से एंगल से क्रिकेट एक्सपर्ट है जी भाई, उसको कोहली T20 का प्लेयर नहीं दिखता जी। What do you think? हमारी इतनी सी अफगानिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान इज विनिंग ओके, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं नहीं नहीं, देखे ना शाहीन शाह अफरीदी होता होता तो क्या होता, पाकिस्तान क्या करता, तो अगर यही राहुल चल जाता तो क्या होता, शाहीन शाह अफरीदी के या रोहित शर्मा चल जाता तो क्या। दोस्तों क्या शानदार जीत जीता है पाकिस्तान, लेकिन किस टीम के खिलाफ? हांगकांग, ऐसा कहना है बहुत सारे लोगों का, लेकिन जीत बड़ी है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमने कल रात वाले वीडियो में किया था। एनीवे चलिए अब बात करते हैं आज के मैच की और इसके बाद कल के मैच की, जिसका सबको इंतजार है और बेसब्री से इंतजार है। बात पहले आज के मैच पे करेंगे, अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों ने मिलकर नागिन डांस नहीं होने दिया, बांग्लादेश को एशिया कप से बाहर कर दिया। तो अब आज इन दोनों के मैच में क्या कुछ हो सकता है, आपने इंट्रो में थोड़ा सा सुन लिया, और साथ ही कल क्या कुछ हो सकता है, कौन नहीं है, कौन है, किसका रिप्लेसमेंट भी नहीं है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। चलिए देखते हैं पाक मीडिया का कैसा एनालिसिस है कल, आज और फिर कल के मैच पर। राशिद लतीफ कौन से एंगल से क्रिकेट एक्सपर्ट है जी भाई, उसको कोहली T20 का प्लेयर नहीं दिखता जी, सारे मैच उसको फिक्स लगते हैं। अभिषेक कुमार जी आप देखें, एक आधी बात पे जो उन्होंने बोला उस पर हमने उनसे जाहिर है कि एग्री नहीं किया, लेकिन ये कहना कि जनाब वो क्रिकेट एनालिस्ट ही नहीं है, वो क्रिकेट का उनको पता ही नहीं है, तो ये बहुत ही बेवकूफाना वाली बात है, बेवकूफों वाली बात है, ऐसी बात करना कि उनको क्रिकेट का ही नहीं पता, बहुत टेक्निकल बात करते हैं वो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बंदा बहुत टेक्निकल बात करता है तो आप उन तमाम बातों से ही आप एग्री करेंगे, बीच में आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग अगर यही 5-6 रहे तो इसमें वैरायटी भी है, और इसमें लेग स्पिन बॉलर शादाब की सूरत में 4 आउट किए, नवाज लेफ्ट आर्म वो भी शानदार है, पिछले मैच में भी आउट किए मोहसिन भाई उसने, इस मैच में भी आउट किए, फिर आज उसने अच्छा किया कि इफ्तिखार को भी थोड़ा यूज़ किया, तो इफ्तिखार की ऑफ स्पिन बॉलिंग भी है, बीच में फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैटिंग भी इनकी 7वें-8वें नंबर तक जा रही है, तो टीम काफ़ी बैलेंस्ड है पाकिस्तान की। और ये जो दोस्त अगर नहीं मानते ऐसा तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान बुरी टीम नहीं है T20 की, और इस एशिया कप में भी कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट हालांकि बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं है, खास करके फास्ट बॉलर भाई, ये कहना कि जो आपका इस बॉलिंग लाइनअप में जिसे स्पेयर ऐड करना चाहिए उसने आपको मरवा दिया लास्ट मैच में, जिसका नाम है हरीश राऊ, अदरवाइज मैच वाज वेरी क्लोज। अभी जो इतवार के आप चाहे तो मैं आज बता दूं, चाहे तो कल पूछ लें, चाहे परसों पूछ लें। अगर हांगकांग 152 कर गया, पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले 147 किया था, तो क्या हांगकांग बेहतर होगी? क्या वो उसी दिन मैच हो रहा था, क्या वो उसी पिच पे मैच हो रहा था, क्या मतलब सारी चीजें, क्या इंडिया ना हार्दिक था ना भुवनेश्वर, क्या इंडिया की प्लेइंग 11 सेम थी, ये सारी चीजें दिमाग में रखनी होती हैं। बहुत ही अच्छा मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लाजवाब आखिरी ओवर तक काम गया, और काफी वो नेल बैटिंग किस्म का मैच था काफी अर्से के बाद, वरना बोरिंग वन साइडेड मैचेस हो रहे थे। मैच है वो बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है, मैच वो भी काफी शानदार और जानदार होने की तवक्को है, शारजा में वो मैच खेला जाएगा, और अगर उसमें हम बात करें कि अफगानिस्तान रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा खेला, और जिस तरह उन्होंने चारों शाने चित कर दिया जनाब श्रीलंका को, वो काफी ज्यादा लोगों के लिए आई ओपनर है जो दूसरी टीमें हैं उनके लिए। अभी अफगानिस्तान बेशक आयरलैंड से उनकी कंडीशन में बेशक हारी है सीरीज 3-2 से, लेकिन दे आर रियली गुड। बाकी अभी तक जो दोस्त हैं वो कुछ ना कुछ तो खुमार में होंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के, तो उस पर भी जरूर बात होगी। हाँ जी भाईजान सब ठीक ठाक है? What do you think? हमारी इतनी सी अफगानिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान इज विनिंग ओके, बांग्लादेश के अफगानिस्तान जी विनिंग, बताइए ना, अफगानिस्तान इज विनिंग। अच्छा आपने आगे भी कहा है बताने के लिए, देखें कैसे क्या मैं बताता हूं आपको कैसे और क्यों। सबसे पहली बात है कि मोमेंटम सारा अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट कर गया, दे डोंट माइंड लूजिंग 1-2 विकेट्स अर्ली, बट दे हैड वेरी वेरी गुड बैट्समैन एंड देयर मेन स्ट्रेंथ इज देयर बॉलिंग। आई एम टेलिंग यू रिजवान हैदर साहब, कल तो श्रीलंका, कल से मुराद है परसों, श्रीलंका बच गया, बच ऐसे गया कि 75-76 पे 8-9 आउट हो गए, 9 आउट हो गए थे, तो वो तो कुरुरत्ने नीचे से आगे 31 कर गया, जैसे इंडिया ने कल पाकिस्तान को 15-20 रन ज्यादा करा दिए, एग्जैक्टली इन्होंने ज्यादा करवाए, लेकिन द वे देखें
मैच जीतना मैच हारना कमाल नहीं है, मैच जीतना कैसे है वो कमाल, जो इन कंट्रोल ना, डोंट रन टू फास्ट। कल देखें इंडिया जीता है, उनके जितने तमाशाई आए हैं, जितने आपके साथ लाइव बेपनाह लोग लाइव आए हैं आपके साथ, हाँ। ग्राउंड के अंदर से किसी एक ने भी आपको ट्रोल किया? पाकिस्तान के जो यंग बॉलर्स हैं वो भी जाहिर है कि काफी टैलेंटेड है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा इतना क्लोज मैच जो है मैं सोच नहीं रहा था, क्योंकि मैं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इंडिया शायद 18वें 19वें ओवर में आराम से चेस कर लेगा। आप शाहीन की बात कर रहे हैं तो आपकी तरफ से बुमराह भी तो नहीं था, बुमराह आपका जाहिर है कि बड़ा जबरदस्त लाजवाब किस्म का बॉलर है, तो वो भी नहीं था। अब जो नहीं थे तो नहीं थे, अब जो थे तो थे। नहीं नहीं नहीं, देखे ना, शाहीन शाह अफरीदी होता होता तो क्या होता, पाकिस्तान क्या करता? तो अगर यही राहुल चल जाता तो क्या होता, शाहीन शाह अफरीदी के या रोहित शर्मा चल जाता तो क्या? देखिए, इफ्स एंड बट्स पे नहीं जाते। यस, यू कैन से इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज मैच, यू कैन से पाकिस्तानी बॉलर्स, पाकिस्तानी थ्री पर्सन्स कैप पाकिस्तान इन द हंट। थ्री पर्सन्स कौन से हैं जी? थ्री पर्सन्स ऑब्वियसली नसीम शाह है, ऑब्वियसली रिजवान और आप इफ्तिखार को एक कर दें बैटिंग में, और ऑब्वियसली नवाज था। नहीं, बहुत, इन तीन ने रखा है, वरना आपके पास कुछ नहीं था। अदरवाइज पाकिस्तान के पास क्या था? पाकिस्तान के पास काफी कुछ है अभी भी, जो कि एक लाइट नहीं लिया जा सकता, लाइट तो बिल्कुल लिया नहीं जा सकता। रोहित शर्मा बिल्कुल ये सोचकर नहीं उतरेंगे कि वसीम नहीं है या अफरीदी नहीं है। कल का मैच उन्होंने भी देखा होगा, तैयारी सबकी है, होनी भी चाहिए। आपका क्या कहना है कॉमेंट करके बताइएगा। और मिस्टर इंडियन बैकर पर बहुत सारे रोस्टिंग शानदार वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं, देखिए जाकर इस वीडियो के तुरंत बाद। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को। इजाजत, जय हिंद।